गाइस ये फातिमा जिना की कब्र है। गाइस ये देखें कैसे हिंदी एंड उर्दू में लिखा हुआ है। गाइस पीछे हिंदी में लिखा हुआ है और आगे उर्दू में। इस पे उनकी डेथ एंड लाइफ की डेट लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आ गए एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। गाइस कायदे आज़म के मज़ार के साइड पे ना नीचे थोड़ा सा जाएंगे ना सीढ़ी से, तो वहाँ पे फातिमा अली जिना की वो है कब्र है एंड उसके काफ़ी ज़्यादा तीन चार कब्रें और भी हैं। गाइस जैसे ही हम नीचे से एंटर होते हैं ना कायदे आज़म मज़ार के, तो हमें एक कब्र्स मिलती हैं काफ़ी सारी, जिसमें से ये आपने देखी है पहली कब्र थी। तो अब दूसरी वाली कब्र पर चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी कब्रें हैं। गाइस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के करीबी रिश्तेदार थे, यानी वो लोग जो पाकिस्तान बनने में मदद की थी कायदे आज़म की। जैसे ये मोहतरमा फातिमा जिना की कब्र है। गाइस फातिमा अली जिना कायदे आज़म की बहन थी एंड प्रोफेशन में वो थी डेंटिस्ट। गाइस कैसी यूनिक बात है ना, यहाँ पे कब्रों पे उर्दू में भी लिखा हुआ है एंड हिंदी में भी लिखा हुआ है, सब डेट्स वगैरह भी मेंशन है। गाइस ये मोहतरमा नूरुल अमीन की कब्र है एंड इसके बाद आती है हमारे प्यारे लियाकत अली खान की। गाइस लियाकत अली खान की कब्र है एंड उनकी बीवी की कब्र है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।